अच्छा सर, यहाँ पे हमने न्यू कमर्स को भी देखा है, तो व्हाई यू चूज न्यू कमर्स फॉर योर न्यू? आई वुड लाइक, बिकॉज़ बेसिकली जो ये स्टोरी है, ये जो बाकी लूटना लूट जाना ये सब जो चीज़ है, ये पार्ट ऑफ द स्टोरी, बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन टू यंगस्टर्स, जो कि एक यंगस्टर है जो किसी शहर से आया है अपना सपना पूरा करने का, और दूसरी एक यंगस्टर है, एक लड़की है जो इसी शहर की है, और एक जो है कि आरजे है जो कि अपने बाप के साथ नहीं रहती है लेकिन उसका सपना है और उसके प्यार में पड़ जाती है हीरो के। तो बेसिकली अगर आप देखोगे थ्रेड का जो उसकी बैकबोन है वो लव स्टोरी है, तो यंगस्टर्स के साथ में लव स्टोरी ऑलवेज वर्क्स, इसलिए लव स्टोरी के लिए यंगस्टर्स ही चाहिए थे मेरे को, न्यू फेसेस चाहिए थे, क्योंकि ये नहीं जी ये कौन है इसने ये रोल किया, नहीं ये दो एक लड़का है, एक प्यार में भी हार गया है तो पैसे भी हार गया है तो उससे आपको सिंपैथी होगी, वरना मैं कोई नॉन फेस लेके बोलता कि हाँ ये प्यार में हार गया तो लोग वो हंसते बोले कैसे हार सकते हैं, तो स्टार है कोई है। लास्टली मेरा जाते जाते आपसे एक और क्वेश्चन है, फिल्म से एक्सपेक्टेशन कितनी रखते हैं आपके, कि जैसे कि आपने बताया कि एक कॉमेडी है, ये काफ़ी अच्छी कॉमेडी है, तो फिल्म से एक्सपेक्टेशन इसे फुल मतलब होलसम एंटरटेनमेंट, और मुझे यकीन है फिल्म चलेगी, बिकॉज मैंने जब स्क्रिप्ट लिखी तो मैं खुद हंसता था लिखते वक्त, और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ जब भी आप लोग भी देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा फिल्म को, यू विल लाफ। साथ साथ में जो हंसी के साथ साथ में ना कैसा होता है कि 24/7 अगर आप हंसोगे ना तो अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी ना गम भी इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, अगर वो गम आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा, कहीं आंसू नहीं आएंगे, तो वो आप हंसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। So this is the blank. Thank you so much. Thank you.